हाँ तो भैया सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनो अपने हाल चाल। स्वागत आप लोगों ने ब्लॉग में, और समय हो चुका है 9:50। तो आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ मेरे सन ग्लासेस के बारे में, जो वीडियो मैं बहुत पहले से बनाना चाहता था और आज वो फाइनल दिन आ गया कि व्लॉग बनाया जाए। सबसे पहले अपडेट देता हूँ भाई बुखार का। बुखार का ऐसा है कि परसों था बहुत ज़्यादा, कल भी हल्का हल्का रहा और आज भी हल्का हल्का अभी भी है, बट मैं स्टिल ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉग करने की, सो अच्छी बात है। जो कि दूसरा ये है कि मेरे पैर में लगभग इतना बड़ा घाव हो रखा है। वो क्या था कि मेरे पैर में ना, पता नहीं अभी थोड़े दिनों, मतलब कुछ दिनों से बिल्कुल छोटे छोटे छाले होते थे और वो ठीक भी हो जा रहे थे अपने आप से, लेकिन क्या हुआ कि तीन चार छोटे छोटे छाले मिलके बड़े बन गए वो। और फिर मैं वहाँ नंगे पाँव परिक्रमा कराया तो सोने पर सुहागा हुआ और फिर वो जो घाव था वो बड़ा हो गया। तो मेरे को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, एक पैर में चप्पल पहन रहा हूँ, एक में नहीं पहन रहा हूँ, तो पैर के बिल्कुल सेंटर में रखा है। वो दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि दिखाऊंगा तो आपको फालतू मूड खराब होगा। ओके, तो आज सबसे पहले सन ग्लासेस के ऊपर ब्लॉग बनाने से पहले एक बार मुझे रोहतक जाना है बहन के साथ, क्योंकि जो मेरी कहाँ है मेरी चेयर कहाँ गई, मेरी जो ये वाली चेयर है जिस पे मैं बैठ के अपना एडिटिंग वेडिटिंग करता हूँ, तो सेम चेयर बहन को चाहिए। तो बहन बोल रही कि मुझे दिला के लाओ, तो भाई ठीक है, अभी मैं जाऊँगा रोहतक, उसको दिला के लाऊँगा, उसके बाद घर आऊँगा। और एक डोर क्लोज़र है नीचे वाला, जो मेरा दरवाज़ा है एक, उसको मेरे को ठीक करना है, वो लगाना है, उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। ओके बाकी यार अच्छा लग रहा है, 3 दिन हो चुके हैं रेगुलर ब्लॉग पोस्ट करते, तो भाई इसे एक थोड़ी ऐसे अच्छी सी ऐसे खुशी सी हो रही है। ओके बाकी अगर ये संडे तक, आज आज है वेडनेसडे, आज थर्सडे है, आज थर्सडे है, आज जो भी है, लेकिन अगर संडे तक पैर ठीक हो जाता है तो संडे को एक मीटअप राइड रखते हैं, और नहीं होता है तो अगले संडे रखते हैं। ओके लेकिन रखेंगे ज़रूर, और उसके बाद ट्राई करेंगे हर संडे हम एक मीटअप राइड या फिर एक ब्रेकफास्ट राइड ऐसा कुछ रखें। ओके तो ठीक है, अभी के लिए अभी जाते हैं नीचे। और रात रात में पता नहीं भाई लाइट में मतलब क्या दिक्कत हो गई थी, नखरे मारी, तब से लाइट नहीं आई है, तो भैया इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज नहीं हुआ, इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। पर यह है कि भैया गांव में पहले ऐसे लाइट बहुत कम आती थी, अभी 24 घंटे लाइट आती है हमारे गाँव में, ये भी अपडेट देना ज़रूरी है। गाँव में देखो भाई वाईफाई लग गया है, तो मतलब सही है भाई। पहले मैं ये सोचता था कि यार रोहतक एक रूम मेरे को लेना पड़ेगा ताकि वाईफाई से काम वाम कर सकूँ, और उसके 2-3 महीने बाद ही भाई गाँव में वाईफाई आ गया, तो मैं यहीं वीडियो अपलोड वगैरह कर देता हूँ। क्योंकि इससे पहले जब मैंने बिल्कुल यूट्यूब शुरू किया ही किया था, तब तब मैं जाता था रोहतक व्लॉग को अपलोड करने के लिए, गांव से होता ही नहीं था। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है कि नहीं, मेरा देश मेरा गांव बदल रहा है, आगे बढ़ ही रहा है होपफुली। जी हाँ, ये कौन आ गया भाई फ़ोन की स्क्रीन पर? भाई ये कौन आया भाई? तो भैया जी हाँ, फर्स्ट क्लास से नहा धो के बढ़िया बैठ चुकी है, और जब भी गाड़ी में बैठते हैं ना तो भाई ये बाहर देखते हुए जाती है मस्त। देखो अभी भी देख रही है कि बाहर क्या है। तो घरेलू काम जितने भी थे वो सारे के सारे डन हो चुके हैं, और अभी मैं फाइनली फ्री हो चुका हूँ। रात के बज चुके हैं 8:32, और जो हमारा वीडियो है उसका टाइटल है सन ग्लासेस। तो पहले सन ग्लासेस पहनते हैं फिर बात करते हैं। कितना अजीब लगेगा जब एक लड़का सन ग्लासेस पहन के खड़ा होगी रात को, लेकिन ये वीडियो सन ग्लासेस के बारे में, तो मैं सन ग्लासेस पहन के ही बात बताऊँगा आप लोगों को। शुरुआत करते हैं भैया बिल्कुल शुरुआत से, मतलब मेरा एक्सपीरियंस सन ग्लासेस के साथ कैसा रहा, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, ये सब इन पे मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि पहले मैं वो लड़का था जिसको सन ग्लासेस से बिल्कुल सख्त नफरत थी, और जिसको लगता था कि ये डालने के बाद जो चीज़ नेचुरली ऐसे दिखती हैं आंखों को वैसे नहीं दिखती हैं, और तमाम चीज़ें। तो मैं पहले उस तरह का लड़का था, लेकिन ये जो ये संस्कार राइड हुई मेरी, इसमें आप लोगों ने मेरे को कई जगह पे देखा होगा कि मैंने ये सन ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो भैया सन ग्लासेस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, शुरुआत करते हैं कैसे कैसे क्या कुछ रहा। ओके शुरुआत करते हैं, सबसे पहले थॉट मेरा यही रहता था सन ग्लासेस को लेके कि भाई यार ये पता नहीं लोग क्यों लगाते हैं, ये लगाने के बाद जो चीज़ नेचुरल दिखती है वो दिखाई नहीं देती है, या फिर ऐसा कुछ करके। तो जो मैंने अभी सन ग्लासेस डाले हैं ये पोलराइज्ड हैं, प्लस इनमें यूवी प्रोटेक्शन भी है। और सबसे पहला बेनिफिट जो इसका वो ये है कि मैं आपको पता नहीं लगे मैं किस तरफ देख रहा हूँ, मैं अभी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ या आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ। जैसे अभी नॉर्मली होता है कि अभी मैं जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है मेरे फ़ोन का वहाँ देख रहा हूँ, और अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में बिल्कुल आँख आँख मिला के। तो व्लॉग ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, तो यहाँ से एक ऑडियो के साथ कनेक्शन बनता है, यहाँ पे नहीं बनता है। तो ये एक फ़ायदा होता है सन ग्लासेस का, पहला फ़ायदा फॉर व्लॉगर्स। दूसरा होता है कि ये जो सन ग्लासेस होते हैं ये आपको रिफ्लेक्शंस काटने में हेल्प करते हैं। आप एक बार ये दो फोटोज़ देखिए, इनमें जो लेफ्ट वाली है वो ओवर एक्सपोज है, और जो राइट वाली है वो बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट वाली में अगर आप देखोगे तो ऊपर जो बिल्कुल बर्न हो रहा है जो एरिया वहाँ पे बिल्कुल वाइट है, और राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे आपको वायर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये करता है सन ग्लासेस, ये जो होता है एक्स्ट्रा लाइट को ये काटता है, जो रिफ्लेक्शंस आती हैं। पोलराइजर जो काम मेनली करता है यही होता है कि जो रिफ्लेक्शंस आती हैं सरफेस से, तो वो उनको कट आउट करता है और आपको चीज़ें बेटर दिखती हैं। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ।
तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के आपको समझ आया होगा कि ये कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस को काटता है। और टू बी ऑनेस्ट, ये मैं ना ब्रांड का नाम नहीं लूँगा कि इन्होंने मेरे को स्पॉन्सर नहीं करा तो मैं भी इनका नाम क्यों लूँ। वाह, कर तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मेरे 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट कोई नहीं यार, अपनी इज्जत अपनी जगह। तो आप कोई भी सनग्लासेस खरीद सकते हो, बस वो यूवी प्रोटेक्ट, यूवी और पोलराइज दोनों हो, मतलब ठीक है ना, आप ले सकते हो, आप लेंस कार्ड से ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी ले सकते हो। पहले जो मैं सोचता था कि यार ये लगाने के बाद, जैसे अभी ये देखे हरे हरे वाली, पता नहीं अजीब रंग के, तो मुझे लगता था कि पहले हरा हरा ऐसा दिखेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को जस्ट जैसा नॉर्मली आपको दिखता है वैसा दिखा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे लिए यहाँ पर जो काम कर रहा है वो ये है कि ये सनग्लासेस लगाने के बाद जब मैं धूप में राइडिंग करता हूँ तो मेरी आंखों को बहुत अच्छा सुकून मिलता है। अभी मैं थोड़ा साइंटिफिक होने वाला हूँ, तो भाई थोड़ा, अगर ये अगर आपको साइंटिफिक लोचा नहीं समझ आ रहा तो आप स्किप कर दो, ओके। तो इस टाइम कोड पे आप स्किप कर दो इसको। देखो ऐसा होता है कि अपनी नॉर्मली आँख होती है और आँख में अपनी एक ओपनिंग होती है, बहुत बेसिक लेवल बात करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो उसमें एक लेंस में से एक ओपनिंग रहती है अपनी आँख में, ये जैसे मान लो इसमें से आएगी लाइट, ओके। जब हम बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तो जो ओपनिंग होती है बिल्कुल ऐसे छोटी सी जाती है ताकि कम से कम लाइट आए और हमें देखने में आसानी हो। जब हम कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं तब हमारे जो ओपनिंग है बड़ी हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आए और हम लोग देख पाएँ। वहीं होता है ना, शुरू में जाते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम जाते हैं फिर से दिखने लग जाता तुरंत से। तो ये जो अपने जो ओपनिंग है आंखों की, आयरिस जिसको बोलते हैं, तो ये बड़ा छोटा जो होता है ये होता है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स हमारे आयरिस के चारों तरफ होती हैं, तो इन मसल्स पे हमेशा प्रेशर पड़ता है, कभी ये बड़ा करते हैं आपको, कभी छोटा करते हैं, कभी कुछ होता है, तो ऐसा वैसा कुछ इनका सीन चलता है। और अभी जब मैं जंस्कर हेड पे गया तो हमारा डे वन था, यहाँ से सीधा मंडी तक हम लोग गए थे। तो वहाँ पर क्या था कि पूरी फुल धूप में मैंने बाइक चलाई थी और मैंने सनग्लासेस लगाए थे। पहले के मुकाबले ऐसा होता था कि जब आप डायरेक्ट ऐसे बाइक चला रहे हो तो ऐसे आंखों में लाइट इतनी सारी पड़ती है, तो ऐसे सिलेरी मसल्स बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है कि भाई हमें ओपनिंग मिनिमम से मिनिमम रखनी, क्योंकि जब लाइट अमाउंट की बहुत ज़्यादा आ रही है। सनग्लासेस लगाने के बाद लाइट कटी और सिलेरी मसल जो मेरी थी आंखों को थोड़ी रिलैक्स मिला। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे बाइक चलाने में कोई थकान नहीं हुई और आंखें मतलब इसे थोड़ी ठीक रही। जैसे टिंटेड वाइजर आते हैं कई सारे, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये मेन काम होता है सनग्लासेस का, और ये मैंने थ्रू आउट द संस्कार राइड जो थी उसमें मैंने लगाया इसको। और मतलब मैं एक वो लड़का जिसको सनग्लासेस बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो अब बता रहा है कि सनग्लासेस के फ़ायदे क्या। बाकी इतना ज़्यादा भी इसको लगाना नहीं चाहिए, आंखों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो उसके बाद की भी बात करेंगे। लेकिन जब कोई बाइक चला रहे हो या लंबी जगह जा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा ही धूप है कि मतलब बिल्कुल दोपहर के 1 बजे मई की धूप पर आप खड़े हो, तो आप सनग्लासेस यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, रिफ्लेक्शंस काटता है। और जो अगर आप कहीं लद्दाख वगैरह घूमने जाते हो तो वहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है, तो बर्फ़ से भी डायरेक्ट लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसको काटता है। और जब आसमान की तरफ डायरेक्ट देखोगे सनग्लासेस लगाने के बाद, तो काफ़ी लाइट है वो भी वहाँ से कटती है और आपको डिटेल दिखाई देता है, तो अच्छे से क्लाउड वगैरह भी सब दिखाई देते हैं। तो ये बेनिफिट होता है सनग्लासेस लगाने का, ओके। तो ये वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल इतनी ही रखते हैं, ओके। आप लोग ले लीजिए अगर आप लोग राइडर वगैरह हैं या फिर जो भी हैं। मेरे को एक अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है सनग्लासेस लेने के बाद, ओके। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो, तो आप लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर दो। और कोई मेरे जैसा लड़का हो जो भाई ऐसा सनग्लासेस के खिलाफ हो, मतलब जैसे मैं पहले था, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो। और ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट सेफ, जय हिंद, और मिलते हैं कल। और अभी मेरे पैर का दर्द थोड़ा सा कम हुआ है, घाव अभी भी उतना ही है जितना, मतलब ऑफ कोर्स जितना था उतना ये तो है नहीं, अभी वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसा है अभी के लिए ठीक है, ओके। तो देखते हैं यार, अभी और लग रहा है मुझे 3-4 दिन इसको लग जाएंगे बहुत आराम से ठीक होने में, कब रनिंग कंटिन्यू हो पाएगी या फिर जैसा भी है देखते हैं, ओके। अभी मैं जाता हूँ नीचे, कुछ पेट में डालता हूँ और फ्लैट, ओके। उसके बाद सुबह उठेंगे 5 बजे, देखेंगे अगर बुखार ना हुआ तो, ओके। बाय गाइस।